इलेक्शन 2022 के एंड में देख रहा हूँ, वो बेशक एंड हो सितंबर हो या अगस्त हो या अक्टूबर हो, और उसमें इमरान खान की पॉपुलैरिटी मुझे कम नज़र आ रही है। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का सवाल है, मुझे नवाज शरीफ साहब 2022 में पाकिस्तान आने के लिए, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो पाकिस्तान आएगा, और उसके साथ साथ हालात भी ऐसे क्रिएट हो जाएंगे कि जब बिलावल साहब की क़यादत में पीपल्स पार्टी आगे आएगी तो मुख्तलफ जो अपोजिशन है वो मुख्तलफ हो जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे कि सराय की बेल्ट है, वो मायूस हैं, ज़्यादा मायूस हैं इमरान खान से, और कुछ जो कुछ कुवतें या ताकतें जो हैं वो भी शायद इमरान खान के को जो लाने में मदद की थी वो इतनी ना कर सके। तो जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगी तो पीपल्स पार्टी का चांसेस होगा। हाँ, मुकाबला हो सकता है नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के होगा। इतनी ऑर्गेनाइज वे में नहीं थी, अब जिस तरह से ऑर्गेनाइज वे में मैं देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो पहले कभी भी नहीं 93 में 8 सीटें ली थी, लेकिन इस मरतबा 8 से 10 एनी हाउ सीटें लेंगी। और एमक्यूएम वो जो पुरानी बात थी, एमक्यूएम वो तो रही नहीं है, एमक्यूएम और जमायत इस्लामी और दूसरी पार्टी तकसीम हो जाएंगे, तो कराची में इंशाल्लाह फ्यूचर पीपल्स पार्टी का है। इमरान खान जहां 11 सीटें ली थी वो तो मेरे ख्याल एक सीट भी नहीं लेगा इन फ्यूचर, बूढ़े हो गए हैं। ये सियासत है ही बच्चों का खेल, अब बूढ़ों का नहीं है, तो बच्चे जिस तरह से काम कर रहे हैं तो वो हम कर भी नहीं सकेंगे। मौलाना साहब और हम आराम करेंगे, बच्चे ही आगे आएंगे और बच्चे ही काम करके दिखाएंगे। ट्विटर पे देखें कि क्या होता है।